नमस्कार, आज मुझे माँ सिद्ध भैरवी खिचुड़ी भोग तैयारी करके देखेबी। दक्षिण ओडिशार मुख्य सहर ब्रह्मपुर ठारु मात्र 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व को एक सुरम्य निकांचन प्राकृतिक परिवेश परिपूर्ण शाक्ततांत्रिक पीठ माँ सिद्ध भैरवी देवी अवस्थित। कलिंगर ऐतिह्य विजड़ित पूर्व उपकूल शाक्त देवी भैरवी बहु प्राचीन कालर पूजिता। यह भैरवी देवी को कहीं कहीं बोधतंत्र देवी भाव वर्णना करने जना जाए। यह सिद्ध भैरवी माँ पाखे राजभोग भाव में लग होता अन्नभोग खिचुड़ी को आज मुझे करके आपण मानक देखेबी। माँ अन्नभोग एक विचित्र धरणर पारंपरिक भाव बहु कालर माली मानी भोग को प्रस्तुत कर आसुच्चे। अन्नभोग खिचुड़ी को तैयारी करने मुझे गोटे कप अरुआ चाउल को नहींचि, ता सहित अधा कप मुग डाली बा मुग चाई को नहींचि। चाउल एवं डाली को भल भाव धोईकी रखिदबा। अरुआ चाउल एवं डाली व्यतीत एथिरे गुड़ एवं घीर व्यवहार करा जाए। मुझे अधा कप गुड़ को नहींचि। यह खिचुड़ी को एक निर्दिष्ट पीतल बासन प्रस्तुत करा जाए, जहाँ को ताबला बोली कहा जाए। मुझे मो पाखे गोटे पीतल बासन डाली एवं चाउल को धोईकी नहींचि, तार ठीक दुई गुण पानी, ता सहित अधा कप गुड़ एवं गोटे रु दुई चमच हम देसी घी को दे देजे। सब जिनस को मिसेकी चूली में बसईदबा, तापर या फुटवाक छाड़दबा। किसी समय फुटवा पर देखु गुड़ तरली जाइए, खिचुड़ी रंग धीरे धीरे परिवर्तन होगाक लगे। ए डाली चाउल गुड़ एवं घी व्यतीत अगर कौन सी जिनसर भी व्यवहार कराएनि। सब जिनस को एकत्र मिसाई माँ का पीठस्थान आग्नेय कोण में रही रोषशाल प्रस्तुत करा जाए। तापर माँ का पाखरे अर्पण करा जाए। ए भीतर देखुथिबे खिचुड़ी आमर हो गला। डाली चावल पूरा भल भाव सिझी जाइछि एवं पानी मध्य पूरा सुखी आसिलानी। एबे आमे चूली को बंद कर दबा। ए भली भाव रे मां सिद्ध भैरवी निकट रे राजभोग रे खिचुड़ी बा अन्नभोग प्रस्तुत करा जाय थाए। कहा जाए आगर माली मैंने माँ का महिमा प्रकाश कर आखपाख ग्रामर देवी भोगपाई चाउल घी डाली एसबु संग्रह कर खिचुड़ी प्रस्तुत करुले। से ही दिन ठारू ही विधि रही आसी।